हेलो एवरीवन। सो इनकम इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में। उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि ये जो इलास्टिसिटी है इसको फाइंड आउट करने का, या ये प्रोडक्ट की इनकम इलास्टिसिटी ज़्यादा है या कम है ये पहचानने का और एक तरीका है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन दैट गुड। बराबर, वो हमने देखा था, तो उसको आज अपन इलेबरेट करेंगे, उसको अपन डिटेल में देखेंगे। करेक्ट। तो पहले मैं आपको ये बोलता हूँ कि क्या रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, एंड देन अपन ये जो एग्जाम्पल से ऊपर हमने जो एग्जाम्पल लिया सेट वन के अंदर, इसके थ्रू अपन वो क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ये सही में होता है। ओके। हाँ, ये जो टेबल है हमारा, इसके थ्रू हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हम जो लिख रहे हैं वो सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है। बराबर। इसका एक हेडिंग देना है अपने को, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी एंड प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। यहां पे बेसिकली मीनिंग है स्पेंट ऑन दैट गुड, जिसका इनकम इलास्टिसिटी देखेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर आपने कितना खर्चा किया, आपकी इनकम का कितना परसेंटेज खर्चा हुआ, इस टाइप से देखना है अपने को। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एंड देन वी विल इलेबरेट। देखो, मान लो आपका इनकम है ₹100, ठीक है। आप किसी प्रोडक्ट पे ₹10 खर्च कर रहे हो आज, ठीक है। ₹100 का इनकम है, उसमें से ₹10 आप किसी प्रोडक्ट पे खर्च कर रहे हो, मतलब आप 10% खर्च कर रहे हो। 10%, आर यू गेटिंग इट? मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रपोर्शन ऑफ इनकम, मतलब ₹100 में से कितना हिस्सा उस प्रोडक्ट पे आप खर्च कर रहे हो। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन दैट गुड इज 10%। अभी मान लो आपका इनकम हो गया 200, ठीक है। अब इसमें तीन केसेस बनेंगे, ठीक है। इसमें बनेंगे तीन केसेस, क्या बनेंगे? एक तो आप ₹15 इस प्रोडक्ट पे खर्च करोगे, दूसरा केस बनेगा आप ₹20 खर्च करोगे, तीसरा केस बनेगा आप ₹30 खर्च करोगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको चेंज इन डिमांड, चेंज इन इनकम निकालने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये परसेंटेज है ना, प्रपोर्शन कितना था पहले, इनकम का 10% खर्च करते थे उस प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। अभी देखना, जब ₹15 खर्च कर रहे आउट ऑफ 200, यहाँ पे 100 नहीं होगा, अभी इनकम कितना हो गया, 200 हो गया, बराबर ना। तो 200 में से ₹15 खर्च कर रहे, मतलब मैं 7.5% खर्च कर रहा हूं। मैं ₹20 खर्च कर रहा, मतलब मैं 10% खर्च कर रहा हूं, और 30 मतलब मैं 15% खर्च कर रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है, देखो, अगर मेरा इनकम बढ़ता है और मेरा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन दैट गुड वो अगर कम होता है, समझो मेरी बात, अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है और मेरा प्रोपोर्शन कम होता है, तो मैं बोलता हूं कि ये प्रोडक्ट जो है वो इन इलास्टिक। कैसा है ये? इन इलास्टिक, या जिसको आप बोल सकते हो रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब 0 to 1 के बीच में। अगर ये एग्जैक्टली 10% आता है तो हम इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट इलास्टिक। और अगर ये प्रपोर्शन बढ़ता है, जैसे पहले 10% हो रहा था ना, अच्छा आपको ये तो पता चला ना कंपेयर किससे करना है, ओरिजिनल केस में 10% था आपका प्रपोर्शन, तो 7.5% इज लेस देन 10%, बराबर, इससे कम है। तो पहले ओल्ड केस में, ओरिजिनल केस में जितना प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहे थे उससे अगर ये कम हो जाता है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक या इनइलास्टिक। अगर आपका प्रोपोर्शन एग्जैक्टली सेम है, इनकम बढ़ गया लेकिन प्रोपोर्शन एग्जैक्टली सेम है, मतलब यूनिट इलास्टिक, और प्रोपोर्शन बढ़ने, सॉरी, इनकम बढ़ने की वजह से प्रोपोर्शन और बढ़ रहा है, मतलब इनकम बढ़ा आपका 100 से 200 हुआ, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड 10% से बढ़ के 15% हो गया, 15% हो गया, ये हो जाएगा इलास्टिक, या जिसको आप बोल सकते हो रिलेटिवली इलास्टिक। वैसे लिख लेते हैं अपन, है ना, इसके पहले वैसे लिखा अपन, ये रिलेटिवली वगैरह, वैसे लिखो रिलेटिवली इन इलास्टिक।
ये हो जाएगा रिलेटिवली इलास्टिक इस टाइप से। मुझे बता कि ये हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि अपन अपना जो ऊपर फॉर्मूला देखा था उससे भी ये कर सकते हैं क्या अपन? लेट अस क्रॉस वेरीफाई कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट अस चेक, देखना वाई कितना है 100, वाई वन कितना है 200, क्यू कितना है 10, क्यू वन कितना है, क्यू वन में तीन केसेस बन रहे, एक है जिसमें 15 आ रहा है, एक केस में 20 आ रहा है, एक केस में 30 आ रहा है, ठीक है। तो देखो जब 15 आ रहा है तब फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, क्यू वन माइनस क्यू, अब वो तो याद है ना आपको, वापस से वो नहीं लिख के दूंगा मैं, 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय वाई वन माइनस वाई करो, ये वाई वन है 200, मतलब 200 माइनस 100 इंटू वाई कितना है, वाई 100 अपॉन क्यू कितना है 10 बराबर इज इक्वल टू कितना बन रहा है ये 15 माइनस 10 यानी कि 5 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 10, 100 100 कट हो जाएगा, 5 बाय 10 मतलब ये हो जाएगा 0.5। 0.5 मतलब क्या है बच्चों, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्ट। तो हमारा उधर वो जो फॉर्मूला था उससे भी यही आंसर आने वाला था, और ये जो हम देख रहे प्रोपोर्शन वाला इससे भी हमारा आंसर सेम आया बराबर। चलो नेक्स्ट देखो 20, तो ऊपर क्या आएगा 20 माइनस 10 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 बाय 10, ये तो फॉर्मूला लगाना आ जाएगा आपको, है ना, 10 10 कट हो जाएगा, 100 100 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, मतलब यूनिट इलास्टिक, सिंपल। ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल, हाँ। अब देखो 30 का क्या आएगा, 30 माइनस 10 कितना है, 30 माइनस 10 20, 20 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 100 यानी कि 100 इंटू 100 अपॉन 10, 100 100 कट, 20 बाय 10 इज इक्वल टू 2, 2 यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक। तो क्या हमारा ओरिजिनल जो फॉर्मूला है उससे भी यही आता है आंसर? यस यही आएगा, लेकिन क्या होगा कभी कभार आपको एमसीक्यू इस टाइप से आएगा ना, प्रोपोर्शन की, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड बढ़ गया, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड कम हो गया, तो उस टाइम पे आप ये एग्जाम्पल लेके वगैरह थोड़ी इमेजिन करते बैठोगे, वहां पे आपको आंसर रेडी पता रहना चाहिए। अगर मेरा इनकम बढ़ने की वजह से मेरा प्रोपोर्शन ऑफ स्पेंड अगर बढ़ जाता है, करेक्ट, इनकम भी बढ़ गया प्रोपोर्शन भी बढ़ गया, तो इलास्टिक, मतलब दोनों हैंड इन हैंड जा रहे हैं। अगर इनकम बढ़ गया लेकिन प्रोपोर्शन कम हो गया तो इनइलास्टिक, और इनकम बढ़ गया और प्रोपोर्शन आपका सेम है तो फिर क्या रहेगा, वो यूनिट इलास्टिक। गेटिंग मी? यस। नेक्स्ट केस देखते हैं जिसके अंदर कम हो रहा है इनकम, ठीक है। ये ओरिजिनल केस वही है हमारा, ₹100 है, ₹100 का इनकम है, ₹10 की मेरी पहले की डिमांड थी, मतलब मेरा 10% खर्चा हो रहा था, अभी मेरा इनकम कम हो गया, अभी मेरा इनकम कम होकर ₹50 हो गया, ठीक है। ₹50 होने के बाद में भी मेरी तीन केसेस बन रही है, पहला केस बन रहा है ₹50 हो गया, ओके, उसकी वजह से, एक सेकेंड, इनकम तो कम होगा, ये इनकम कम हो गया तो डिमांड तो कम होगी बराबर, तो मान लो डिमांड हो गई आपकी 7.5 या फिर 5 या फिर 2.5, इस टाइप से तीन केसेस बन रही है आपकी। अभी देखो क्या आ रहा है परसेंटेज, 50 का 7.5 यानी कि ये आता है 15%, 50 का 5 मतलब ये आता है 10%, और 50 का 2.5 मतलब ये आता है 5%, ठीक है 5%। अभी देखना अभी सिनेरियो एक उल्टा है, अभी ये मत सोचना कि 10% से 15% बढ़ा है, करेक्ट, ये ओरिजिनल केस था हमारा 10% वाला, तो ये 15% इससे बढ़ा है ना, इसका मतलब ये इलास्टिक हो जाएगा, ऐसा मत सोचो। ये केस उल्टा है, क्यों उल्टा है, यहां पे इनकम कम हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, इनकम बढ़ रहा था, इनकम बढ़ गया
और प्रपोर्शन कम हो गया तो हम उसको क्या बोलते थे? इनकम बढ़ गया और प्रपोर्शन कम हो गया, उसको क्या बोलते थे हम? इन इलास्टिक। हाँ या ना? वैसे ही यहां पे इनकम कम हो गया लेकिन प्रपोर्शन बढ़ गया, करेक्ट। यहां पे इनकम 100 का 50 हो गया लेकिन प्रपोर्शन 10% का बढ़ के 15% हो गया, मतलब ये इन इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। मतलब आपको सिंपल ये याद रखना है कि अगर प्राइस प्राइस नहीं, इनकम और प्रपोर्शन स्पेंड अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, सीसॉ के जैसे हो रहा है, तो इन इलास्टिक है। तो क्या है? इन इलास्टिक। अगर दोनों हैंड इन हैंड साथ में जा रहे, मतलब इलास्टिक। और अगर इनकम बढ़ने दो या कम होने दो, आपका डिमांड सेम है, प्रपोर्शन, डिमांड नहीं, डिमांड का प्रपोर्शन अगर सेम है तो फिर वो यूनिट इलास्टिक, ठीक है। ये क्या है? यूनिट इलास्टिक। और ये क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक। कैलकुलेट करके देख लेना अपने फॉर्मूला के हिसाब से। देखो y y वन, q q वन, y कितना है? 100, y वन 50, q कितना है? 10। पहली सिचुएशन में q कितना हो जा रहा है? 7.5। दूसरी सिचुएशन में कितना हो रहा है? 5। एंड तीसरी सिचुएशन में 2.5। चलो निकालो आंसर क्या आ रहा है। 7.5 माइनस 10 अपॉन 50 माइनस 100 इंटू 100 अपॉन 10 कितना आ रहा है? 7.5 माइनस 10 बोले तो 2.5 माइनस 2.5 अपॉन माइनस 50 इंटू 100 बाय 10 क्या हो रहा है? ये 10 वन 10, 10 10 100, 10 वन 10, 10 5 50, तो ये आएगा -5। तो -2.5 अपॉन -5 ये आएगा +0.5। क्या आएगा? +0.5। तो 0.5 आ गया, मतलब क्या है? ये इन इलास्टिक है। अब बोले सर ऐसा कैसे हो रहा है? यहां पे तो आपका प्रोपोर्शन बढ़ रहा था, तब आपने बोला था रिलेटिवली इन इलास्टिक है, करेक्ट। यहाँ पे प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, ये 15% में आपने क्या बोला था? रिलेटिवली इलास्टिक है। सर क्या बोला था आपने? जब प्रोपोर्शन बढ़ा तो रिलेटिवली इलास्टिक है, और यहाँ पे जब प्रोपोर्शन बढ़ रहा है तो आप बोल रहे हो रिलेटिवली इन इलास्टिक है। ये कैसे समझने का, कैसे क्यों कंफ्यूज हो रहा है? अरे बच्चों सिंपल है, हम लोगों को पहले ओरिजिनली ये देखना है कि इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इनकम बढ़ गई और प्रपोर्शन स्पेंड भी बढ़ गया, मतलब दोनों हैंड इन हैंड अगर जा रहे, तो इसको बोलेंगे आप रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा फर्क पड़ रहा है ना। ये समझो लॉजिक क्या है इसका। इनकम बढ़ गया और डिमांड उससे ज्यादा बढ़ गई, तभी प्रपोर्शन बढ़ेगा। डू यू एग्री विद दिस? मान लो 100 रुपए का इनकम है, 10 रुपए की डिमांड है। अगर इनकम डबल हो गया और डिमांड भी डबल हो गई, मतलब इक्वल हो गया, इनकम अगर 200 है, डिमांड 20 हो गई, मतलब इक्वल हो गई, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन इनकम विल बी एग्जैक्टली सेम, मतलब आंसर आएगा 1, मतलब आएगा यूनिट इलास्टिक। ये तो आ गया ध्यान। अभी अगर ये 20 से ज्यादा बढ़ गया, मतलब क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बड़ा हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम कम हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब आंसर 1 से ज्यादा आएगा। हाँ या ना? आंसर 1 से ज्यादा आया, मतलब क्या है? रिलेटिवली इलास्टिक है। सिंपल, गेटिंग मी? जब इनकम कम हो रहा है, जब इनकम कम हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, तो जब कम होगा, मान लो 100 का 50 हो गया, मतलब आधा हो गया, बराबर। तो डिमांड भी आपकी अगर आधी हो गई, एग्जैक्टली 10 रुपए की 5 रुपए हो गई, तो क्या हो जाएगा? सिंपल, यूनिट इलास्टिक। प्रोपोर्शन सेम रहेगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन इनकम सेम रहेगा, आंसर 1 आएगा, यूनिट इलास्टिक। लेकिन ये 10 से गिर के 5 तक नहीं आई, 10 से गिर के सिर्फ 7.5 ही हुई। समझो मेरी बात। सबसे पहली सिचुएशन हमारी 10 से गिर के कितने पे आई है? 7.5 रुपए पे।
मतलब इसका गिरने का जो ये है परसेंटेज है वो कम है, परसेंटेज चेंज कम है इसमें। 10 से गिर के कितने गिरी, सिर्फ 2.5 से गिरी, सिर्फ 10 में से सिर्फ 2.5 माइनस करेंगे तो 7.5 आ जाए। तो गिरने का जो परसेंटेज है वो कम है इसका, गिरने का परसेंटेज कम है मतलब चेंज इन डिमांड कम है, हाँ या ना। इनकम 50% हो गई और डिमांड सिर्फ 75% पे आ गया, मतलब डिमांड कितनी कितने से गिरी, डिमांड गिरी 25% से। इनकम कितने से गिरा, इनकम गिरा 50% से। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम है ना, परसेंटेज चेंज इन इनकम से है। समझ आ रहे हैं नहीं? हम कभी भी क्या देखते, चेंज कितना आ रहा है। तो 10 से 7.5 हुआ मतलब ज्यादा गिरा। मुझे ये बताओ, एक सिंपल सवाल का आंसर करो मुझे, 10 से 7.5 हो गया मतलब ज्यादा गिरा, या 10 से 2.5 हो गया मतलब ज्यादा गिरा? ऑब्वियसली 2.5 हो गया मतलब ज्यादा गिरा, 7.5 मतलब कम गिर गया। कम गिरा मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम है, करेक्ट। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब ऐसा होगा तो न्यूमरेटर 1 से कम आएगा, 1 से कम आया मतलब इन लेस, हाँ या ना। और जब ये 2.5 हो रहा है मतलब 7.5 से गिर रहा है, ये 10 रुपए से 7.5 कम हो गए और अभी बचा सिर्फ 2.5, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो ये इलास्टिक होगा, हाँ या ना। सिंपल है ना, ये मत लिखो, ये और कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। तो लॉजिक आ रहा है क्या ध्यान में? यहाँ पे देखो 7.5 में से 10 माइनस कर रहे हैं ना अपन, तो गिरने का प्रोपोर्शन भी तो कम है इसका। तो ये सिर्फ नहीं देखना है कि प्रोपोर्शन बढ़ा या नहीं, ये देखना है इनकम के मुकाबले, इनकम को पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा कि इनकम बढ़ा या इनकम कम हुआ, ये पहले देखना पड़ेगा आपको। गेटिंग मी? चलो अब ये देखो, 5 अगर रुपए है तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 अपॉन 50 माइनस 100 इंटू 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू -5 अपॉन -50 इंटू 100 अपॉन 10। तो 10 वन 10 10 10 100 10 वन 10 10 माइनस 5 -5 1 -5 1 आंसर आया 1। 1 मतलब यूनिट इलास्टिक, करेक्ट। ये तो हमने ऊपर लिख लिया, सेकेंड सिचुएशन में क्या आ रहा था, यूनिट इलास्टिक। और थर्ड केस में क्या आ रहा है, 2.5, 2.5 -10 अपॉन 50 -100 इंटू 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू -7.5 अपॉन -50 इंटू 100 बाय 10। 10 वन 10 10 10 100, 10 वन 10 10 5 यानी कि -5, तो ये बचेगा -7.5 अपॉन -5 इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1.5 ना, पॉजिटिव 1.5। करेक्ट, पॉजिटिव 1.5, पॉजिटिव 1.5 मतलब रिलेटिवली इलास्टिक। तो आ रहा है ध्यान में आपको? चलो अभी रूल्स बनाओ, अभी बनाओ रूल, फटाफट बनाओ, चलो मेरे साथ, मुझे बताओ क्या होना चाहिए रूल्स। 1, व्हेन इनकम इंक्रीजेस, 3 केसेस बनेंगे इसके अंदर, प्रपोर्शन इंक्रीजेस, मैं सिर्फ प्रपोर्शन लिख रहा हूं, आपको पता है प्रपोर्शन का मतलब है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन दैट गुड, ओके, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन दैट गुड। तो प्रपोर्शन इंक्रीजेस, प्रपोर्शन रिमेन्स सेम, एंड प्रपोर्शन डिक्रीजेस। देखो क्या हो रहा है, अभी प्रपोर्शन जब इंक्रीज होता है तो रिलेटिवली, ये इतना विजिबल नहीं है क्या, रिलेटिवली इलास्टिक, ये रहेगा यूनिट इलास्टिक,
यूनिट इलास्टिक एंड ये रिलेटिवली रिलेटिवली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखना है, यहां पे आप देखते हैं यहां पे इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये सेम रह रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। वह सेम डायरेक्शन में गए तो इलास्टिक, अपोजिट डायरेक्शन में गए तो इन इलास्टिक, सेम रहता है तो यूनिट इलास्टिक। जैसे उल्टा चार्ट बनाओ क्या भाई, सेकेंड व्हेन इनकम डिक्रीजेस, ठीक है, जब इनकम डिक्रीज होगा तब इलास्टिक कब होगा, प्रपोर्शन और गिरना चाहिए, राइट, प्रपोर्शन और गिरना चाहिए, मतलब प्रपोर्शन डिक्रीजेस, हम लिखेंगे यहां पे प्रपोर्शन डिक्रीजेस, यहां पे लिखेंगे प्रपोर्शन रिमेन्स सेम, प्रपोर्शन रिमेन्स सेम, और यहां पे लिखेंगे प्रपोर्शन इंक्रीजेस, राइट। ये सब आपको एक क्या बोल सकते हैं, ऐसा व्यू आना प्रॉपरली, इसके लिए अपन ने ऐसा बनाया है, एक ही इसमें आप देख सको, जब इनकम बढ़ता है तब क्या होगा, जब इनकम कम होता है तब क्या होगा, राइट। तो इसमें आपको क्या देखना था, यहां पे डिक्रीज हो रहा है, यू विल सी कि डिक्रीज डिक्रीज तो इलास्टिक, इंक्रीज इंक्रीज तो इलास्टिक, सेम रहा तब यूनिट, दोनों जगह सेम है तो यूनिट ही है, और इधर डिक्रीज है इधर इंक्रीज है, मतलब इन इलास्टिक। ठीक है, तो समरी लिखो नीचे, समरी समरी, रूल नंबर वन, इफ इनकम एंड प्रपोर्शन गो इन सेम डायरेक्शन, दैट इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, अगर ये सेम डायरेक्शन में रहते देन देन वगैरह में पूरा सेंटेंस नहीं लिखते बैठेंगे, सिंपली लिखो कि क्या होगा फिर, रिलेटिवली इलास्टिक होगा ये क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक। सेकेंड, इफ इनकम एंड प्रपोर्शन गो इन अपोजिट डायरेक्शन, गो इन अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या होगा ये, रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो इन इलास्टिक होगा। एंड थर्ड, इफ इनकम एंड प्रपोर्शन, सॉरी यहां पे देखना, इफ इनकम डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, कुछ भी होने दो, बट द प्रपोर्शन रिमेन्स सेम, द प्रपोर्शन
रिमेन्स सेम, तो ये होगा यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। ठीक है, और एक स्टार मार्क करके नीचे एक चीज लिखना है अपने को, स्टार मार्क करके एक चीज लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में कंफ्यूज होता है। ठीक है, लिखो मेरे साथ, इफ इनकम राइज एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस या स्पेंडिंग कुछ भी बोलो, वर्ड कुछ भी आ सकता है, बेसिकली खर्चा, एक्सपेंस स्पेंडिंग कुछ भी बोलो, या अगर डिक्रीज होता है ना, ध्यान से सुनो, छोटा सा डिफरेंस है, ऊपर हर जगह अपन प्रोपोर्शन देख रहे, परसेंटेज देख रहे, यहां पे सीधा सीधा एक्सपेंस या स्पेंडिंग देख रहे। अगर इनकम राइज हो गया और स्पेंडिंग कम हो गया, ये होगा इनफेरियर गुड्स, क्या होगा ये, इनफेरियर गुड्स, है ना। डिटरमिनेंट में याद है ना आपको, कि इनकम बढ़ गया लेकिन आपका स्पेंडिंग कम हो जाता है फिर इनफेरियर के केस में, और इफ इनकम डिक्रीजेस एंड एक्सपेंस और स्पेंडिंग ये अगर बढ़ जाता है तो ये होगा इनफेरियर गुड्स, क्या होगा ये, दोनों केस में इंफेरियर ही है बेसिकली, इंफेरियर गुड्स। ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट करके लिखो, हियर वी आर एनालाइजिंग स्पेंडिंग और एक्सपेंस एंड नॉट प्रपोर्शन और परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग। तो यहां पे प्रपोर्शन नहीं देख रहे अपन, यहां पे अपन एब्सोल्यूट फॉर्म में स्पेंडिंग ही देख रहे, आएगा ध्यान में। एक बार अच्छे से लिखो, सही सही लिखा है कि नहीं एक बार चेक करो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी समरी। इसके बाद में एक सिंपल अपन एग्जाम्पल देख के इसको पूरा एनालाइज समराइज कर देंगे, इसको पूरा का पूरा समराइज कर देंगे, एक एग्जाम्पल में सब ले लेंगे, परसेंटेज भी लेंगे, स्पेंडिंग भी लेंगे, सब लेंगे। ओके, ये स्टार वाला बराबर लिखा ना सब लोगों ने, ब्रैकेट भी लिख लो। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल वन, ओरिजिनल केस देखो, ओरिजिनल क्या हो रहा है, ओरिजिनल इनकम ₹100, स्पेंडिंग ₹10। अभी अगर आपको बोला इन्होंने कि इनकम हो गया 200, ठीक है, ये पहला केस, इनकम हो गया 200, तो स्पेंडिंग हो गई आपकी मान लो 8। दूसरे केस में स्पेंडिंग हो गई आपकी 15। तीसरे में स्पेंडिंग आपकी हो गई है 20। चौथे में आए, अच्छा ऐसा नहीं करते इसको, एक मिनट ये करो, ऐसा 1 2, ये सेम ही है ना, स्पेंडिंग हो गई आपकी 25। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, देखो ये जो 100 का 10 खर्च हो रहा था, मतलब ये यहाँ पे मेरा 10% आ रहा था, बराबर 10%, राइट। अब यहाँ पे स्पेंडिंग 8 हो गई ना, यहाँ पे एक तो 4% आ गया, 4% आ गया, है ना, मतलब अब यहाँ पे क्या होगा बोलो, क्या होगा यहाँ, इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक होगा, क्या होगा, ये परसेंटेज तो कम हो गया, ये इनइलास्टिक होगा, उसमें कोई बात नहीं, ये तो सिंपल चीज होगी, उससे बड़ा क्या होगा, इससे इंपॉर्टेंट ये तो मुझे यहां पे देखना भी नहीं,
ठीक है, ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इससे इम्पोर्टेंट क्या होगा यहाँ पे, इससे इम्पोर्टेंट ये होगा कि ₹10 से आप कहाँ पे आ गए, ₹8 पे। मैं यहाँ पे परसेंटेज देख भी नहीं रहा हूं, ये 10 का 8 हो गया, इसके लिए मैं इसको बोलूंगा इनफेरियर गुड्स, इनफेरियर गुड्स। यहाँ पे प्रोपोर्शन चेंज हो गया, ये हो गया 7.5%, इसको मैं बोलूंगा रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये 20 हो गया ना, मतलब सेम है 10%, मतलब मैं इसको बोलूंगा यूनिट इलास्टिक। यहाँ पे 25 हो गया ना, मतलब ये 12.5%, मतलब मैं इसको बोलूंगा रिलेटिवली इलास्टिक। आ रहा है ध्यान में? सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा था इसमें? फिर ये 4% वाला, इसको स्टार मार्क करके रखो, ये आपको काम में आएगा। नेक्स्ट लो, पांचवे, इसमें आपका इनकम कम हो गया, इनकम हो गया 50, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये 50 जब हुआ तो आपका ₹10 का स्पेंड बढ़ के ₹12 हो गया, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन लो जिसमें 7.5 हो गया, तीसरे में 5 हो गया, चौथे में 2.5 हो गया, बराबर। जब 12 हो गया ना ये, तब मैं क्या देखता हूँ मालूम है क्या? ₹10 का बढ़ के ₹12 हो गया। मैं यहाँ पे परसेंटेज निकाल भी नहीं रहा हूं, इसके ऊपर से मैं बोल रहा हूँ कि इनफेरियर गुड्स, इनफेरियर गुड्स। क्यों? क्योंकि आपका इनकम कम हो गया लेकिन स्पेंडिंग बढ़ गया, प्रपोर्शन की बात नहीं कर रहे, एक्सपेंसिव बढ़ गया सीधा सीधा। यहाँ पे 7.5 मतलब 15%, यहाँ पे इनकम नहीं बढ़ा आपका, सॉरी स्पेंडिंग नहीं बढ़ी, प्रपोर्शनेट स्पेंडिंग बढ़ी, मतलब ये होगा रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। यहाँ पे 5% का ये 10% हो जाएगा, 10% मतलब यूनिट इलास्टिक। ये हो जाएगा 15%, सॉरी सॉरी क्या कर रहे हो, 5% हो जाएगा, 5% मतलब रिलेटिवली, रिलेटिवली इलास्टिक। तो ये बाकी सारी केसेस हमने पहले भी देखी थी, जानबूझ के यहाँ पे सेम एग्जांपल लेके उसी को इलेबरेट इसीलिए किया है ताकि आपका इसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाए, है ना, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाए। ये बाकी सारी सिचुएशन में वो नॉर्मल गुड्स है, सिर्फ पहली सिचुएशन में वो क्या है, इनफेरियर गुड्स। तो आ रहे हैं ध्यान में सब कुछ, गेटिंग इट? चलो अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देख सकते हैं प्राइस, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, और कुछ रहे तो नहीं गया ना इसमें? यस, आई थिंक इट इज डन। नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि मेरा चाय का डिमांड देखना है मुझे और प्राइस का इंपैक्ट देखना है कॉफी पे, मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट। वो जो डिटरमिनेंट देखा था ना अपन ने, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसके अंदर फिर दो बनते थे, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्पिटिटिव या सब्स्टिट्यूट, तो उसको देखेंगे अपन यहाँ पे इसमें, राइट। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारे के सारे लिंक्स चेक करो, प्रीवियस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, प्लेलिस्ट, क्लास ज्वाइनिंग का फॉर्म, कुछ रहे तो नहीं गया आपका, गो एंड चेक एवरीथिंग। ओके चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।